वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शुभम में, और मैं शुभम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो क्लास है बीए बीएससी वीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है ना, मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में हम सारी चीज़ों को कम्प्लीट करेंगे यहाँ पर। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपका मैथमेटिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। आप सबको पता होगा, एग्ज़ाम जो है आपके एमसीक्यू होने हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और साथ ही में मैथमेटिक्स जो पार्ट ए और पार्ट बी है, इसके बारे में हम अगर समझें तो पार्ट ए में है आपका एलजेब्रा, एलजेब्रा है ना, और पार्ट बी की अगर हम बात करें तो आपकी मैट्रिसेस है। क्या है? मैट्रिसेस है। एलजेब्रा एंड मैट्रिसेस जो है, दोनों ही कॉम्बिनेशन है इसमें, और दोनों को मिला करके आपका पेपर होगा, ठीक। तो इन दोनों को ही हम एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सब बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना, और चीज़ों को लिखते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि नोट्स बनाना अब बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स को। आपने ट्वेल्थ में पढ़े होंगे सारणिक, बताओ आपने ट्वेल्थ में सारणिक पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मोड ऑफ ए, ये सब चीज़ें निकलवाई थी फिजिक्स में, या फिर इसमें वेक्टर, तो आपने पढ़े होंगे ना फर्स्ट ईयर में, है ना। तो उन सब से रिलेटेड आप केवल समझ लो कि जो सारणिक है, मैट्रिक्स है, कुछ उससे रिलेट करती हैं चीज़ें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आप समझेंगे सबसे पहले कि मैट्रिक्स है क्या, है ना। तो आप लिखो जल्दी, अ सेट ऑफ एम एन नंबर, ए डेफिनेशन टाइप समझ लो, अ सेट ऑफ एम एन नंबर, है ना। और जो नंबर है वो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। अ सेट ऑफ एम एन रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर कोई एम एन नंबर का कोई सेट है, चाहे फिर वो रियल नंबर का हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, अगर उसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम अरेंज करते हैं, तो चीज़ें जो है वो आपकी मैट्रिक्स कहलाती हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि किस तरह से। देखो, अब आप एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो, है ना, बिल्कुल कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, सब समझेंगे हम, ठीक है, सबको समझेंगे कि मैट्रिसेस कितने टाइप की होती है, और सारे टाइप समझेंगे उनके हम। मतलब आज की अगर इस क्लास को आपने कंप्लीट कर लिया, तो यकीन मानिए आपकी आज बिल्कुल मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल रहेगा आपका, ये हमने कोई मैट्रिसेस बनाई है, ठीक है। इसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर a11 a12 a13 a21 a22 a23, है ना। इसी तरह से ये हम m क्रॉस n की बना रहे हैं, है ना। ये किसकी बना रहे हैं? m क्रॉस n की। अभी सब समझाएंगे m क्रॉस n क्या होती है, सब समझेंगे, ठीक है। अब समझो पहले m क्रॉस n की, अगर हम आपको सीधा दिखाएं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। आप पहले ये देखो, ये 31 a32 a33, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, बस इतनी रन दो, है ना, बस क्या करो आप, इतनी ही रन दो। ये जो मैट्रिक्स है, आप देखो सबसे पहले 3x3 की है कि नहीं, है ना। आप सबसे पहले इसको समझो कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स अगर आप समझ गए, तो आप यकीन मानिए आपकी चीज़ें हो गई। देखो आप कैसे, इस साइड से अगर हम देखें तो ये है ना, ये अगर हम देखें, ये जो है आपकी, ये आपकी रो होती हैं, है ना। ये क्या है आपकी? रो होती हैं। 3x3 का अर्थ हुआ आपकी, देखो 3x3 इसका जो अर्थ हुआ आपका, वो हुआ आपका रो क्रॉस कॉलम। क्या हुआ? रो क्रॉस कॉलम। अब आपको समझना पड़ेगा कि रो क्या है और कॉलम क्या है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे ना हम, तो बेसिक से समझते हुए चलेंगे। देखो, ये जो है आपका रो वन हो गया, ये जो है आपका रो टू हो गया, ये जो है आपका रो थ्री हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रो हो गए। अब हम अगर कॉलम की बात करेंगे, तो ये आपका कॉलम वन हो गया, ये आपका जो है वो कॉलम टू हो गया, है ना, और ये जो है आपका कॉलम थ्री हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा, ऐसे में जो आपको दिख रही हूँ ये सारी आपकी रोज़ हैं, और ये जो हैं आपके क्या हैं? कॉलम्स हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके
कॉलम्स हैं, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में हम आपको समझा चुके हैं ये चीज़ें, और उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में भी चीज़ें सेट हो गई होंगी। तो अब हमने इतनी चीज़ें जो है समझ ली हैं, अब हम समझेंगे टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। क्या समझेंगे हम अब? टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, अब वो चीज़ें हम समझेंगे आपके सामने। हमने सारे टाइप्स को जो है राइट डाउन कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी आपको दिख रही होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर यूनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी आइडेंटिटी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अभी हम समझाएंगे आपको, 1 by 1 हम सारे डिस्कस करेंगे, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये 2 टाइप की होती हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। कौन कौन? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, है ना। अपर और नीचे आपको दिख रहा होगा भाई, लोअर ट्रायंगुलर। जीरो मैट्रिक्स, है ना, इसे जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बताओ? जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा, है ना। चलो एक है डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट दिख रही होगी आपको स्केलर मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स हम सब समझेंगे, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन, सारी मैट्रिक्स को हम बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में आपके सामने जो है रखेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली वाली जो है आप हेडिंग डाल लो अच्छे से। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज are equal to the number of column। क्या अर्थ हुआ भैया इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इस लाइन का ये अर्थ हुआ कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं, मतलब जितने रो हैं उन रो की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? तो नंबर ऑफ कॉलम के, है ना। नंबर ऑफ जो रो है आपके वो नंबर ऑफ कॉलम के अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी दोस्तों। चलिए कैसी, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 2 3 4 0 5 6 7 1, है ना। अब आपके सामने दिख रही होगी ये है 3x3 की मैट्रिक्स। हम कहेंगे सर ये 3x3 की मैट्रिक्स कैसे है? देखो हम बताएं कैसे है। ऐसे है, इसमें आपको दिख रही होगी रो 1 रो 2, ये दिख रही होगी आपको रो 3, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा C1 C2 C3। अब बताओ ये C1 C2 C3 क्या है? बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बता दो C1 C2 C3 क्या है। अगर कोई बच्चा नहीं बता पाया ना फिर देखते हैं, है ना। C1 C2 C3 क्या है? ये आपके कॉलम है, है ना। अभी आपको हमने बताया था C1 C2 और C3 ये क्या है आपके? ये आपके कॉलम है, है ना। और हमने आपको भी बताया रो 1 रो 2 या फिर रो 3 ये क्या है आपके? ये आपकी रोज है, ये आपकी रोज है। इसे हम पंक्ति कहते हैं, या कहते हैं पंक्तियां कहते हैं इसे हम, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। अब सबको पता होगा, है ना, अब सबको पता होगा क्या कहते हैं हम। चलो अब देखो एक बात, इसमें आप बताओ जितनी आपको रो दिख रही उतने आपको कॉलम दिख रहे हैं कि नहीं? आप बताओ इसमें रो कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3 रो हैं। देख लो 1 2 3, 3 ही तो हैं। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, दिख गई, है ना। अब हम देखेंगे बताओ कॉलम कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 1 सर 2 सर 3, तो सर 3 कॉलम हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। समझ गए कि नहीं बताओ, है ना, 3 रो 3 कॉलम। तो इस तरह से ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? तो आप कहेंगे ये जो मैट्रिक है वो आपकी हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ एक बहुत अच्छे अंदाज में आप चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए अब आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अभी हमने आपको बताया यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, आपने समझ लिया है। अब लिखो जल्दी कॉपी पर, लिखना स्टार्ट कर दो। अ मैट्रिक्स, लिखो अ मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन, ठीक है। और and non-diagonal elements are equal to zero। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही में हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स
होती है, क्या होती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी आपको समझ आ जाएगी किस तरह से। देखो हम इसका एग्जांपल जो है समझ लेते हैं, एग्जांपल समझ लेंगे तो आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, करवाएं एग्जांपल। देखो एग्जांपल में है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको दिख रहा होगा है ना, एक मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी आपके सामने। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब आप समझे इसमें कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, है ना। हो सकता है, देखो सुनो, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो उसमें कि डायगोनल एलिमेंट तो सबने बताया नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स वो हम समझते हैं क्या होते हैं। आपको दिख रहा होगा भाई साहब आपके सामने एक हमने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में जो कुछ भी लिखा है वो आप समझ जाओ कि वो आपके डायगोनल एलिमेंट है। कौन कौन है डायगोनल एलिमेंट, कितने हो गए, 1, 1 है, और इन 1, 1 को छोड़ के जो चीज़ें हैं वो आपके 0 के बराबर है। देखो तो ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए। समझ गए कि नहीं बताओ, समझ गए कि नहीं समझे। सीधी सीधी परिभाषा जो है, डेफिनेशन ये कहती है, अ मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट, मतलब प्रत्येक जो डायगोनल एलिमेंट है आर इक्वल टू वन, वन के बराबर होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट देखो वन के बराबर है कि नहीं है, बताओ डायगोनल एलिमेंट वन के बराबर है कि नहीं है, है ना। और हम अब समझेंगे कि एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू जीरो, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके जीरो हैं कि नहीं, बताओ। नॉन डायगोनल एलिमेंट की अगर मैं बात करूँगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो वो आपके इक्वल जीरो हैं कि नहीं है, सारे के सारे आपके जीरो हैं। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को बताओ आप स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे ना। अब आप समझो एक बात और, जैसे मैंने आपके सामने कोई मैट्रिक्स लिखी है 1 0 0 1, है ना, आप बताओ क्या ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की नहीं है। आप बताओ जरा हमें, क्या ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स आपकी 2x2 की है तो इस मैट्रिक्स को हम आपकी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो कहेंगे, बताओ कहेंगे कि नहीं कहेंगे ना। चलो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब एक क्वेश्चन है, आप जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने इसको मिटा दिया है, अब क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, अब आपको बताना है। फाइंड द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द टाइप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा लिख लो, है ना, फाइंड द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग। मतलब ये हुआ कि आपको टाइप बताना है मैट्रिक्स का, एक प्रकार आपको बताना है इन चारों में से, किन चारों में से, हम आपको अभी बताते हैं कौन कौन चार है, 1 2 3 और 4, बताओ इनमें से कौन सा मैट्रिक्स का टाइप है। चलो ऐसा बताओ, चलो ठीक है इसी में बता दो, या फिर क्वेश्चन को घुमा के दे दें, है ना, ऐसे बताओ। चलो इसको हम दूसरे हिसाब से लिखते हैं, फाइंड विच इज नॉट द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से कौन मैट्रिक्स का प्रकार नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन मैट्रिक्स का प्रकार नहीं है। अब बताओ आप, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के हो गया, है ना। देखो ध्यान रखना है, एग्जाम में आप देखेंगे नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चीज़ आपको बहुत मैटर करेगी। आप समझ ही नहीं पा रहे कि वहाँ पे नहीं है या हाँ पूछ रहा है, इनमें से कौन क्या पूछ रहा है, तो ये बड़ी बात हो जाती है, छोटी बात है पर बड़ी हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो बताओ जल्दी से, हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, 1 3 जो है वो मैट्रिक्स के टाइप होंगे, 1 जो है वो मैट्रिक्स का टाइप नहीं होगा। देखो सबसे पहले की बात करूंगा रो मैट्रिक्स, दूसरा लिखूंगा मैं स्केलर मैट्रिक्स, तीसरा लिखूंगा मैं यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, अभी आपको मैट्रिक्स के टाइप बताए थे कि नहीं, जीरो मैट्रिक्स, और चौथा लिख रहा हूँ मैं हॉली मैट्रिक्स, है ना। बताओ जल्दी इनमें से कौन मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, है ना। अगर आपने मैट्रिक्स के सारे टाइप पढ़े हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। आपको बताना है भाई इनमें से जो है वो कौन मैट्रिक्स का प्रकार नहीं है, है ना। दिख रहा हूँ
ना दिख रहा हो तो अच्छे से देख लो, कमेंट में जरूर बताना, ये क्वेश्चन हम आपके लिए रखेंगे कमेंट में, ठीक है। चलो अब एक लास्ट हम चीज़ें समझेंगे, इसके बाद जो है आपको क्लास अगले दिन मिलेगी, ठीक है। चलो अब इसको हम साफ कर देते हैं, क्लीन कर रहे हैं इसको। चलो दो हमने आपको करवा दी है, पहला हमने करवा दिया है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा हमने आपको करवा दिया है कौन सा करवाया बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, या फिर यूनिट मैट्रिक्स, तीसरा हम आपको करवाने जा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स। कौन सा? जीरो मैट्रिक्स, है ना, हेडिंग लिख लो जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद जो है जितनी भी चीज़ें हैं हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स जो है लिखो इसमें, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो सब किसके बराबर हो, तो आप कहेंगे सर इक्वल टू जीरो हो, सारे जीरो के बराबर हो, इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, या फिर इसे हम दोस्तों नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के जरिए हम चीज़ों को समझते हैं, है ना, सारे के एग्जाम्पल समझे ना तो इसको क्यों छोड़ देंगे, है कि नहीं बताओ। चलो तो इसको समझ लेते हैं, सबसे ईजी होती है भाई साहब आपकी ये, है ना, सबसे ईजी होती है ये आपकी, जीरो जीरो जीरो, ऑल एलिमेंट कितने हैं, जीरो हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट कितने हैं आप बताओ हमें, ये भी जीरो है, समझ गए कि नहीं, नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हैं तो वो भी जीरो है, तो सारे जीरो हैं, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं बताओ, तो आप कहेंगे जी हाँ सर है, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, है ना, इस तरह से भी हो सकती है ये, है ना, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीके से आपने समझ लिया होगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें आपके साथ शेयर करनी है, और वो जानकारी ये है, आपकी तैयारी को, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और अगर आपकी तैयारी जो है एक बेहतर तैयारी नहीं हो पा रही है, तो एक बेहतर रणनीति बनाने के लिए हमने एक अपना परिवार और बनाया है, एम विद शिवम। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने इस परिवार को प्यार दिया है खूब, है ना, BSc एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को, आप एम विद शिवम प्लेटफॉर्म को भी खूब सारा प्यार दें, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, उस पर हम आपको मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, GK GS सारी क्लासेस को बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। 3 से 4 क्लास हमने कंप्लीट कराई हैं, जिसमें मात्र एक क्लास में संपूर्ण गुणनखंड, संपूर्ण डिविजिबिलिटी, है ना, ऐसी यूनिट डिजिट, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जरूर देख लेना, ठीक है। और एक बात और हम आपको बताएं, बहुत सारी क्लासेस जो हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, जैसे माइनर जो आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे फोटोग्राफी हो, फर्स्ट एड हेल्थ हो, तो इन सबकी क्लासेस अपने चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें, आपको सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके राष्ट्र हित में योगदान दे सकते हैं, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और चीज़ों को एक बेहतरीन और एक उम्दा तरीके से करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, स्वस्थ रहिएगा, पूरी तरीके से पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा, बताइएगा किस सब्जेक्ट की क्लास जो है आप देखना पसंद करेंगे।